कुंभड़ देहात में नगर पंचायत सफाई कर्मी के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज सफाई कर्मी आज रूरा नगर पंचायत कार्यालय के बाहर कार्य बहिष्कार कर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। उन्होंने बताया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनकी जान को खतरा बना रहेगा। उन्होंने बताया कि आरोपी लगातार समझौते का दबाव भी बना रहे हैं। अगर हमें न्याय ना मिला तो हमारा धरना और कार्य बहिष्कार लगातार जारी रहेगा। वहीं रूरा नगर पंचायत अधिकारी किशोर कुमार मौर्य ने बताया कि अगर किसी सफाई कर्मी की कोई गलती थी तो हमें बताना चाहिए, हम विभागीय कार्रवाई कर उसे दंडित करते। लेकिन आरोपियों ने कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हुए सफाई कर्मी के साथ मारपीट कर दी, जिसकी सूचना हमने आने उच्च अधिकारियों को दे दी है और हमें कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। इस पूरे मामले में अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा ने बताया कि मामले की जांच क्षेत्राधिकारी अकबरपुर कर रहे हैं, निश्चित ही जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर, रूरा नगर पंचायत में वहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं धरने बैठे हैं। रूरा नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों का कुछ आपस में विवाद हुआ था, उसको लेकर FIR दर्ज कराई गई है, जिससे ये अकबरपुर द्वारा जांच भी की जा रही है। इनके जहाँ तक धरने पर बैठने की बात है वो संज्ञान में आया है और SDM अकबरपुर को अभी भेजा गया है, उनसे वार्ता करके धरना समाप्त करने के लिए। वो लोग कह रहे हैं अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई वो बराबर हमको डरा धमका रहे हैं, लेकिन हम अगर काम भी छोड़ दिया, हमने बहिष्कार कर दिया है और आगे भी करते रहेंगे जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। CEO अकबरपुर द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है, विवेचना अनुसार उनके द्वारा उचित कदम उठाया जाएगा। अगर ये धरना जारी रहा तो सफाई व्यवस्था भी बाधित रहे, वार्ता की जा रही है उनसे, धरना उनका जल्द समाप्त करा दिया जाएगा। क्या मामला है सर, सफाई कर्मचारी आपके यहाँ धरने बैठे? सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ इसलिए धरने बैठे हैं कि विगत 21 अक्टूबर को हमारे एक सफाई कर्मचारी जो सफाई के साथ साथ प्लम्बरिंग का कार्य भी करता है, वो एक जगह प्लम्बरिंग कार्य कर रहा था, तो कुछ यहाँ के जो अराजक तत्व हैं उनसे किसी मैटर को लेकर, छोटी मोटी मैटर लेकर बात विवाद हुआ। उसके बाद वो मैटर यहाँ आना चाहिए था हमारे पास, लेकिन आपके कर्मचारी ने कुछ किया तो उसके खिलाफ हम उसका जो भी एक्शन लेना होता लेते हैं नियमानुसार, लेकिन उन लोगों ने लाइन ऑर्डर को अपने हाथ में लेते उसके साथ मारपीट की, उसके सिर में काफ़ी चोट आई। उसके बाद उसको मेडिकल कराया गया और FIR हुई। अब कर्मचारी इस बात पे आंदोलन रहते हैं कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और ये चूँकि लाइन ऑर्डर विषय है, पुलिस प्रशासन विषय है। हमने कल ही जो है अपर जिलाधिकारी महोदय जो हमारे नगर क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी भी होते हैं, मैंने उनसे व्यक्तिगत मिल के पूरा मैटर बताया, साथ साथ उप जिलाधिकारी महोदय से बात बताया कि सर ऐसी बात है, लोगों ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इसका निराकरण अपने स्तर से करेंगे। घटना कुछ घटना, क्या नाम है? मेरा नाम नरेश चंद्र। अच्छा, आज ये नगर पंचायत में धरने पर बैठे, क्या समस्या है? इसलिए धरने पर बैठा हूँ कि हम लोग सभी सफाई कर्मचारी का या प्लम्बर लोग हैं, मतलब रात भी मतलब जाते हैं रात में, तो लोग यहाँ तरह लोग मतलब बहिष्कार को या मारने पीटने का धमकी देते हैं, तो इसीलिए हम लोग सभी लोग धरने पर बैठे हैं। किसने मारपीट की, कौन था वो? फिर उसके बाद थाने में सूचना थी, क्या हुआ? सिर्फ थाने में सूचना थी, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मेरे चाहते हैं कि हम सभी कर्मचारियों की सुनवाई करने की कृपा करें तो मान लिया होगी। अच्छा, अगर अभी न्याय नहीं मिलता तो कितने दिन तक लगातार धरना जारी रहेगा? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो धरने में बैठे रहेंगे हम लोग। काम आम तो नहीं करोगे? नहीं नहीं, कुछ काम नहीं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।